जी हाँ, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आप अगर हलवाई का दुकान ओपन किए हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हलवाई का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा गवर्नमेंट लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होता है, वो लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो लाइसेंस आपको कितना दिन में मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मालूम ही होगा हलवाई का बिजनेस इंडिया में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल का बिजनेस है, इसलिए आपको गली नुक्कड़ से लेके शहर तक हर जगह हलवाई आपको मिल जाएंगे। तो हलवाई का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पहला जो लाइसेंस की जरूरत होता है उसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस। ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इशू होता है। उसका मिनिमम वैलिडिटी 1 साल और मैक्सिमम वैलिडिटी 5 साल के लिए होता है। आप जितने साल के लिए अप्लाई करेंगे उतने साल कंप्लीट होने के बाद फूड लाइसेंस को आपको रिन्यू करने की जरूरत होता है। नंबर सेकंड पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस होता है और ये इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए होता है। जब तक आपका बिजनेस है तब तक उद्यम रजिस्ट्रेशन वैलिड रहता है। इसका कोई ईयरली या फिर मंथली रिन्यू करने की जरूरत नहीं होता है। नंबर थ्री पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है ट्रेड लाइसेंस। आप हलवाई का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपका लोकल स्टेट गवर्नमेंट से जो परमिशन लेते हो उसको ट्रेड लाइसेंस बोला जाता है। आपका ये लोकल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये ट्रेड लाइसेंस रिसीव होता है। आपका ट्रेड लाइसेंस का वैलिडिटी आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। इसीलिए इंडिया में ट्रेड लाइसेंस का वैलिडिटी अलग अलग होता है क्योंकि हर स्टेट का रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग है। नंबर फोर पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है लेबर लाइसेंस। लेबर लाइसेंस का मतलब होता है आपका हलवाई का बिजनेस पर जितना भी लेबर लोग काम करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन को लेबर लाइसेंस बोला जाता है। लेबर लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट का ही लाइसेंस होता है। आपका स्टेट गवर्नमेंट का लेबर डिपार्टमेंट से ये लाइसेंस इशू होता है और इसका वैलिडिटी भी हर स्टेट पे अलग अलग होता है। नंबर फाइव पे जो लाइसेंस लगता है उसका नाम है ISO सर्टिफिकेट। आप जो प्रोडक्ट फूड प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हो वो अच्छे क्वालिटी का है बोल के ये ISO सर्टिफिकेट आपको मिलता है और इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए होता है। आफ्टर 3 ईयर वो लाइसेंस को आपको रिन्यू करने की जरूरत होगा। तो टोटल ये 5 लाइसेंस हलवाई बिजनेस के लिए लगता है, फूड लाइसेंस, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ट्रेड लाइसेंस, लेबर लाइसेंस और ISO सर्टिफिकेट। आपको अगर हलवाई का बिजनेस का लाइसेंस अप्लाई करना है तो स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए। आपको बस जो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट हमको व्हाट्सएप पे सेंड करना है, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उसी नंबर पे। हम आपका सभी डॉक्यूमेंट लेके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ये सभी लाइसेंस अप्लाई कराएंगे और अप्रूव करा के आपको देंगे। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। डॉक्यूमेंट में जो हलवाई का बिजनेस जो ओपन करेंगे जो ओनर होंगे ओनर का आधार कार्ड, ओनर का पैन कार्ड, ओनर का एक फोटो लगेगा। वो अगर हलवाई का बिजनेस खुद के घर पे कर रहे हैं तो उस घर का बिजली का बिल, नहीं तो हाउस टैक्स बिल, नहीं तो प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर रेंट पे लेके ओपन किए हैं किसी दूसरे का जमीन या दूसरे का दुकान तो उनको रेंट एग्रीमेंट देने की जरूरत पड़ेगा। और ये सभी लाइसेंस आपको 7 से लेकर 10 दिन के अंदर अप्लाई करते वक्त जो आप ईमेल आईडी देते हो वो ईमेल आईडी पे PDF फॉर्मेट पे ये सभी लाइसेंस रिसीव होता है और हम भी आपको व्हाट्सएप पे PDF फॉर्मेट पे ये सभी लाइसेंस का फोटो सेंड कर देते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा है उस पर तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम के साथ डिटेल्स में बातचीत कीजिए और घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस प्राप्त कीजिए। आपको कोई भी सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा ये यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम बिजनेस रिलेटेड वीडियो आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे लाते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।